मानिसलाई आजको युगमा शान्ति चाहिएको छ चा, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ आज मनको शान्ति सबैभन्दा ठुलो शान्ति हो हुन त आज हामीले जे कुरामा पनि दौडधुप गरिरहेको छौँ पैसा कमाउनमा साथीभाइ भेट्नमा खुसियाली गर्न रमाउनका लागि हामी सबै आतुर छौँ तर एउटा कु कुरादेखि हामी वञ्चित छौँ त्यो हो मनको शान्ति आज हामी त्यति बेला मात्र शान्ति हुन्छौँ जब हाम्रो मनको शान्ति एकदमै शान्त भएर गएको होस् अनि यो मनको शान्ति पाउन न त यो धन धनदौलतले दिनसक्छ न त इष्टमित्र न त तपाईँको परिवारले नै दिनसक्छ यो मनको शान्ति एउटा ईश्वरीय शान्ति हो अनि आजको युगमा हामीले ईश्वरलाई मान्न अनि मनन चिन्तन गर्न पनि अति नै आवश्यकता छ अनि यहाँहरूलाई विविध भएको कुरो हो दार्जिलिङमा धेरै वर्ष अघि नै स्थापना भएको प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ स्थापना भए पश्चात आज यहाँ थुप्रै थुप्रै मानिसहरूले आध्यात्मिक विषयमा धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गरिराख्नु भएको छ अनि आज यसै संस्थाको अगुवाई गर्नको निमित्त धेरै टाढोबाट हामी समक्ष भगवान् भाइजी आउनुभएको छ अनि उहाँले भारतवर्षको विभिन्न प्रान्तहरूमा अवस्थित रहेको जेलहरूमा गएर स्कुलमा गएर कलेजमा गएर त्यहाँको विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि यो आध्यात्मिक कुराहरू पनि उहाँले गर्ने हुनेछ अनि आज यो एउटा हाम्रो सौभाग्य कि उहाँ स्वयं दार्जिलिङमा उपस्थित हुनुहुन्छ अनि आज उहाँले यो आध्यात्मिक क्षेत्रलाई अँगालेर रा, धेरै राम्रो राम्रो प्रवचनहरू मिठो मिठो कुराहरू दिइरहनु भएको छ अनि आजको युगमा पढाइ एकदमै ठुलो कुरो हो तर पढाइभन्दा एउटा नैतिक शिक्षा पनि हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा ठुलो कुरो रहेको छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले जोड दिनुहुन्छ र आउनुहोस् न सुविन्दा अहिले हामी दार्जिलिङ दार्जिलिङबाट कागझोडामा अवस्थित भएको रिलायन्स बिल्डिङको अपोजिटमा रहेको यो क्विन्स हिलमा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा हामी आएका छौँ अनि हामी यहाँहरूलाई आज यो कार्यक्रममा पनि स्वागत जनाउँदै आज तपाईँलाई यो मिठो मिठो कुराको पनि हामी जानकारी दिन लागिरहेछौँ अनि यो कार्यक्रम सम्बन्धी म अनिल लगायत हाम्रो क्यामराम्यान राकेश विश्वकर्मा हामी उपस्थित भएका छौँ वैसे त म ब्रह्मकुमार भगवान भाइ प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउन्ट अबुसी से आए वै से त उन्नाइस सय एट्टी टू मैस जुड़ा जुडाहुँ और वैसे तो मैं बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ था ग्यारह साल तो स्कूल भी नहीं गया था अच्छा। तो ग्यारह साल के बाद मुझे मन में आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है तो हमारी खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया वो एक मंदिर में स्कूल लगती थी तो मैं वहाँ गया तो और टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है उन्होंने कहा कि नहीं तुम तो बड़े हो गए हमने कहा सर मैं कहीं बाहर जाऊँगा बस का बोर्ड कैसे पढ़ूँगा तो ये मेरी लगन दे करके कहता ठीक है कल से आओ तो पहले दिन मुझे पाँचवीं कक्षा में बिठाया उम्र ज़्यादा थी अच्छा। तो कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना दूसरे को सुनाएंगे भी सुन लेना तो मेरे जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया कहा कि आप कहाँ जाते बकरी चराने नहीं आती मैंने कहा कोई बात नहीं बिना पैसे का पढ़ूँगा पैसे नहीं घर में वालों ने बोला तो मैं रद्दी से डायरी लाता था पुरानी रद्दी की पुरानी डायरी ला के लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की माँ बाप को तंग नहीं किया लगन से जा कर के पढ़ता था तो इस तरह से मैं पढ़ाई किया और एक दिन आया उसी रद्दी में अच्छा। मेरी ये ईमानदारी सच्चाई शायद ऊपर वालों को भी पसंद आया और उसी रद्दी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब में लिखा था ये संसार बदल रहा है अभी परमात्मा इस धरती पर आ चुका है अब ये कलयुग पूरा होकर के की दुनिया में आने वाली है मुझे वो किताब क्योंकि तीन लोग का चित्र क्योंकि मनुष्य तो चांद तक गया है और इसे इस किताब में तो चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है विष्णु बैठा है शंकर बैठा है तो मैंने कहा कि ये तो मैंने टीचर को पूछा हमने कहा सर आपने तो चंद्रमा तक गया, ब, बताया मुझे किताब मिला बोला छोड़ो उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए नहीं पढ़ी जाती व्यवहार तो मुझे फिर टीचर को पूछा प्रिंसिपल को पूछा कोई जवाब नहीं दिया तो मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए आप लोगों ने अपना जोग्राफी में क्यों नहीं है? सर ये किस साल की बात कर रहे एट्टी वन एट्टी टू की बात है तो वो समय में छोटा था पढ़ाई कर रहा था <laughs> तो उसी के बाद मेरे को वहां से मेरे पास पत्र लिखा ब्रह्मा कुमारी में तो वहां से एक पत्र आया आप दस रुपये मेरे पास दस रुपए तो था ही भी नहीं आए सर आपको। आ, आया हाँ रिप्लाई आया अच्छा। फिर दस रुपये भेजो करके पत्र आया तो मेरे पास दस रुपए तो था ही नहीं कुएं से ला करके पानी बेचा दो पैसा तीन पैसा और छह महीने में दस रुपये इकट्ठा किया उसको एमओ से भेजा और उसी से मुझे ब्रह्मा कुमारी का जो मेन फाउंडेशन है सेवन डेज़ का कोर्स उसकी किताबें आती गई और उस किताबों को पढ़ कर के मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और इस ज्ञान का अभ्यास करना शुरू किया और दसवीं में मेरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया दसवीं के बाद आई का कोर्स करने के लिए बड़ा शहर में गया था और इस किताब के माध्यम से जो मैंने ज्ञान सुना इसे मैं गलत संगत से बचा रहा कई घर कोई बाहर की फिल्में नहीं देखता था दोस्तों से बुराई से बचा रहा और इस तरह से मैं अपने जीवन का चरित्र बनाया उसके बाद जब आई का कोर्स कर रहा था तब यहाँ ब्रह्मा कुमारी की एक छोटी गीता गीताबादशाह मिली वहाँ रोज़ जाना शुरू किया इस तरह से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए अच्छा और अभी माँ माउंट आबू में रहता हूँ और उसे पूर्व में दिल्ली में भी लगभग दस साल वहाँ विदेशी लोग भाई भाई बहनें आते थे उनका भोजन बनाने की सेवा की और वर्तमान समय माउंट आबू में रहता हूँ वहाँ लगभग पच्चीस हजार लोगों का भोजन बनता है वो भोजनशाला में किचन में रसोई का काम करता हूँ अभी, कर अभी भी करता हूँ और वो करते हुए भी जब भी थोड़ा टाइम मिलता है पूरा भारत में जा कर के स्कूलों में और जेलों में कार्यक्रम करता हूँ लगभग वैसा तो 2011 में, में मेरा लगभग पाँच हज़ार स्कूलों में कार्यक्रम किया था और 800 जेलों में कार्यक्रम किया था जिसके कारण इंडिया बुक का ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ अच्छा। और वैसे तो हाँ वैसे तो तीस चालीस मासिक में लिखने का भी सेवा करता हूँ और साथ में काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी लिखता हूँ यूट्यूब में भी काफ़ी सारा तो कहाँ थे गांव में थे पढ़ाई कोई पाँचवीं से दसवीं से पाँच क्लास पढ़ाई किया लेकिन इस ब्रह्मा कुमारी में आने से मेडिटेशन करने से पॉजिटिव बातें सीखने से मैंने अपने जीवन को एक हिस्सा बनाया मेरा एक लेख छिपा था धूल में छिपा वहीरा कहाँ धूल में थे उस परमात्मा ने मुझे शोकेस में रखा अब मेरे छः छः महीने के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते पूरा भारत में और नेपाल में भी लगभग सत्तर जिले में जाकर के नेपाल, भी नेपाल में भी गया हूँ नेपाल में सत्तर जिले में जा कर के चाहे जीरी चरी कोट डोंगा सोलो खोबो इसके बाद नेपाली, समझते नेपाली सारा समझ लेता हूँ अच्छी तरह बोलने, 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 बोलने में थोड़ा सा क्योंकि मैं हर जगह पर जाता हूँ वो भाषा मिक्स ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा यूज कम करता हूँ सक समझ एक प्रश्न आपको नेपाली में पूछता हूँ पूछ सकते हैं जी सर जब जेल तरह जानू आगे सर कैदी सब भेट कस्तो कर शिक्षा दिवस सर तैदियों को हम यही सिखाते कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ आप उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही छिपे हैं आप उसके लिए कभी टेंशन में लो नहीं लो क्योंकि जब हम टेंशन क्योंकि हर व्यक्ति के साथ जो कुछ हो रहा है वो पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है इस दुनिया में जो बोएंगे वही काटना पड़ता है आज हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं कोई हमको देने के लिए कोई हमारे से लेने के लिए और जब इस बात को हम भूल जाते हैं तब हमें लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया क्यों क्यों करते गुस्सा आता है और उस गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं इसीलिए उनको यही बताते हैं बदला नहीं लो स्वयं को बदलो बदला लेने से और समस्या बढ़ जाती है इसलिए स्वयं को बदलो क्योंकि जिस व्यक्ति को मर्डर करते हैं या मार देते हैं आत्मा कभी भी मरती नहीं है आत्मा अजर अमर अविनाशी है अगर आपने समझो अभी कुछ घटना हो गई उसके बाद यहाँ से सोच करके निगेटिव सोच करके जाऊँगा जाएंगे कि मैं जा करके उसके साथ ऐसा करूँगा फिर अगले जन्म में फिर आपको वही प्रॉब्लम्स आएंगे इसीलिए बदला लेने के बजाय अपने आप को बदलो कई बार जब मैं जेल में जाता हूँ कई कई दी एकदम टेंशन में बिल्कुल हंसी भी नहीं आती मैं कहता तो देखो भगवान हमारा बाप है बाप कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करता हो सकता है 19 20 21 22 ये आपके लिए कोई बाहर खतरा होगा इसीलिए भगवान ने वहाँ से उठा करके यहाँ रखा और चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि कोई अमराज में अंदर आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके जब ये बातें सुनते हैं उनकी चेहरे की इतनी खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको पॉजिटिव बनना सिखाते हैं और जब पॉजिटिव बनना सिखाते हैं तो वास्तव में आज अपराधों के मूल कारण काम क्रोध लो मोह अहंकार ईर्ष्या गरना, नफरत इसीलिए इसे कैसे वास्तव में व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं अगर दुश्मन है तो ये विकार व्यक्ति के दुश्मन है अच्छा। तो इन विकारों से कैसे बचना है अच्छा उसके लिए उनको मेडिटेशन सिखाते हैं और साथ में पॉजिटिव बातें सिखाते हैं और जिसके कारण उन लोगों के अंदर काफ़ी परिवर्तन आता है दोबारा ये मेडिटेशन करते हैं और वहाँ से जब छुटने के बाद कई लोग ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े रहते हैं तो इसीलिए तनाव से मुक्त टेंशन से मुक्त कैसे हम मेडिटेशन करना है ये उनको सिखाते हैं

क्योंकि गर्मी का महीना था तो फिर मैंने यहाँ यहाँ भी दार्जिलिंग में भी उस समय आया था दार्जिलिंग करके उसके बाद फिर मैं गया यहाँ से पशुपति नगर से नेपाल होते हुए गया तो नेपाल में पहला बार मैंने वीरगंज के जेल में कार्यक्रम दिया था वीरगंज का जब मैं जेल में कुछ बातें सुनाई उनको इतना अच्छा लगा तो मुझे लगा कि सचमुच आज ज्ञान की आवश्यकता है उन कैदियों के लिए तब से मैं भारत में अंदर जाने के बाद काफ़ी सारे जेलों में कार्यक्रम शुरू किया और करते करते आज उसके कारण रिकॉर्ड बन गया तो जेलों में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है कारण आपको गिनेश बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका दर्ज जी सर सर इसके लिए भी मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूंगा तो सर, बच्चों को स्कूलों में क्या शिक्षा देंगे आप आ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वर्तमान समय क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है अगर कल के भावी समाज को अच्छा बनाना है वर्तमान के युवाओं को मूल्यवान बनाना चरित्रवान बनाने की जरूरत है क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं चाहे इंजीनियर बनता है चाहे डॉक्टर बनता है चाहे नेताएं है बनते हैं ये स्कूलों से बनते हैं आज स्कूलों में केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है पेट भरने की शिक्षा दी जाती है वो बच्चे पढ़ते हैं पास हो जाते हैं सर्टिफिकेट लेते हैं और उसी के आधार से उनको नौकरी मिलते हैं और नौकरी से पैसा आता है उसे पेट भरता है पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना असत्य से सत्य की ओर जाना शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना नशे का बंधन व्यसनों का बंधन बुराई का बंधन लेकिन आज के बंद, बच्चे बंधनों में फंसते जा रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना मैं तो सोचता हूं आज के युवा प्रकाश से अंधकार में जा रहे इसलिए उन बच्चों के अंदर मूल्यों की जागृत करना ये वर्तमान की बहुत आवश्यकता है अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो जाएंगे ये संसार एक राक्षसी वृत्ति के तरफ जाएगा संसार में रहना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा इसीलिए युवाओं को जागृत करने की ज़रूरत है क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है गुणवान बनना चरित्रवान बनना आज हम अच्छी स्कूल किसको कहते हैं जिनकी टाई अच्छी बिल्डिंग अच्छी बसें अच्छी रिज़ल्ट ज़्यादा हम समझते हैं अच्छी स्कूल मैं तो सोचता हूँ अच्छी स्कूल वो हैं जहाँ चरित्र सिखाया जाता है इसीलिए चरित्र का किसी की तरफ भी ध्यान नहीं तो कई बार मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो वो टीचर्स अपने स्कूल की इतनी महिमा करते हैं हमारा स्कूल बहुत अच्छा है हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है हमारे स्टाफ भी बहुत मेहनत करते हैं हमारा बोर्ड में अच्छा नंबर आता है लेकिन जब मैं शिक्षा का एजुकेशन का अर्थ उनको सुनाता हूं वो कहते हम तो कुछ नहीं दे रहे वास्तव में शिक्षा का अर्थ है शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं ई फॉर एम्पावर बनाना सशक्त बनाना जो नहीं देखना है जो नहीं कहना है जो नहीं बोलना है उसको न देखना न बोलना ये एजुकेशन डी डी फॉर डिसिप्लिन बोलने की देखने की माँ बाप के साथ मित्रों के साथ आज बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है ही नहीं ना माँ बाप को सुनते हैं ना टीचर को सुनते हैं अनडिसिप्लिन बनते जा रहे हैं शिक्षा का मूल उद्देश्य है जैसे आगे का शब्द आता यू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग समझ राइट क्या है? रॉन्ग क्या है अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी समझ आना पता है कि सिगरेट खराब है तो भी पी रहे है पता है कि शराब खराब है तो भी पी रहे है पता है कि फैशन करना खराब है तो भी आज अंडरस्टैंडिंग नहीं है समझ नहीं है और इसीलिए आज समाज भी गलतियाँ हो रहे है इसीलिए समझ उन बच्चों को देना और साथ में इसी, सी सी फॉर कैरेक्टर चरित्र कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया चरित्र गया सब कुछ गया लेकिन आज के युवा क्या समझते हैं चरित्र गया कोई आर्जन नहीं हेल्थ गई ठीक कर देंगे लेकिन धन गया सब कुछ गया आज कई तो ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को मैंने देखा चरित्र बेच करके ऑनलाइन में पैसा कमा रहे मैं तो कभी सोचता हूं उनकी प्रोफाइल देख करके वो कौन से स्कूलों में पढ़े उनको उन टीचरों को भी वो उनकी प्रोफाइल दिखाओ तो उनको लगेगा ये हम क्या पढ़ा रहे इसीलिए भूखा मरना पड़े प्यासा मरना पड़े लेकिन चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं देना है क्योंकि चरित्र हमारी संपत्ति है ये एक समय था इसी भारत में चरित्रवान लोग थे गुणवान लोग थे गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे लेकिन आज चरित्र अंदर खत्म होता जा रहे हैं इसीलिए आज नदियां अब सूखती जा रही आज धरती पर अनाज देना अगर इस धरती का चरित्र खत्म हो जाएगा इस संसार में बहुत बड़ा एक विनाश आ सकता है इसीलिए चरित्र आगे का शब्द आता है ये ये फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है मैं तो पढ़ रहा हूँ पता नहीं मेरा क्या होगा पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी पता नहीं और पता नहीं पता नहीं करके पता ही कट जाता है आज का दिन अच्छा करेंगे भविष्य अच्छा ही हो जाएगा क्योंकि वर्तमान समय क, जो मेहनत करता भविष्य अच्छा होगा लेकिन आज के बच्चे भविष्य को देखते हैं या बीती हुई बातों को देखते वर्तमान को वे एबसेंट रहते हों इसीलिए पॉजिटिव बनना आगे का शब्द आता है टी टी फॉर टॉलरेंस लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है पहले ज़माने में बच्चों को कुछ नहीं आता था कोई बच्चा गलती करता है टीचर उसको सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारता था क्यों हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जब टीचर छड़ी मारता वो पॉइंट दब जाते हैं बुद्धि खुल जाते हैं इसीलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम लेकिन आज किसी को छड़ी मार तो कहते सर बाहर फिर देख लूंगा <laughs> सही, सही इतना ही नहीं माँ बाप भी माँ बाप को जाकर सुनाएंगे माँ बाप झगड़ा करने के लिए आएंगे।, आएंगे तुम्हारे मेरे बच्चे को तुमने कहा खा, खाना खिलाया क्यों आज और ये बच्चे सहन नहीं करते तो इसीलिए यही बच्चे भविष्य में जा कर के आज कोई छोटी छोटी बातों में नशा करेंगे मर्डर करेंगे आज कहीं सुसाइड करेंगे क्यों बचपन में सहन करना नहीं सीखा इसीलिए सहन करना शिक्षा सीखना ही शिक्षा का उद्देश्य है इसीलिए उन बच्चों को हम ये डेवलप करते कि कैसे सहन करना क्यों जरूरी है इसीलिए आगे का शब्द आता है आई आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मता राष्ट्रीय पारिवारिक आपसी आज पति पति का बनता नहीं अब आजकल कई पत्नी को कुछ मंगाना है तो ऑनलाइन में से वो चैटिंग करके बोल ये कि घर में दीवार के बाजू में लेकिन बोल बात नहीं हो रही वो, वो चैटिंग से बात कर रहे हैं मेरे लिए ये चाहिए वो उधर से वो चैटिंग करे वो क्यों एकात्मता नहीं सीखी वो वो फॉर आप्टिमिस्टिक आशावादी बनना और लास्ट का शब्द है यन एन फॉर नोबिलिटी सज्जन बनना यह है शिक्षा का उद्देश्य लेकिन आज के बच्चों के अंदर ये मूल्यों की कमी होती जा रही और इसीलिए उन बच्चों के अंदर मूल्य मूल्यों की बातें सिखाए जाते हैं जब तक अगर हमारे जीवन में मूल्य नहीं तब तक हमारा जीवन चरित्रवान नहीं बन सकता इसीलिए उन बच्चों को एजुकेशन का अर्थ आज वास्तव में देखा जाए तो केवल बच्चों की आई डेवलप की जा रहा टेबल के पाव होते चार अगर एक ही पाव तो टेबल गिर जाएगा गिर जाएगा इसी तरह मानव जीवन के चार पाव मजबूत चाहिए एक आई दूसरा ई क्यू तीसरा यम क्यू चौथा एस क्यू लेकिन आज के बच्चों को केवल क्या सिखाया जा रहा है आई क्यू बच्चे भी मां बाप कहते हैं तुम पढ़ टीचर कहते हैं तुम पढ़ पढ़ना मार्क लेना कोई बुरी बात नहीं लेकिन केवल जिसकी आई क्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है अभिमान आता है मैं सब कुछ जानता हूं मैं होशियार हूं इसीलिए समाज के लोग टेंशन में क्यों हैं क्योंकि आज उनको होशियार केवल किया जाता है केवल होशियार नहीं कहते विद्या विनयन शोभते विद्या आने बाद विनम्रता नहीं चाहिए लेकिन आज के विद्या आने बाद ईगो डेवलप हो रहा है इसीलिए आई के साथ ईक्यू डेवलप करना इमोशनल बनाना भावनात्मक बनाना माँ बाप के लिए देश के लिए समाज के लिए और साथ में यम क्यू यम क्यू मिस्ट मॉरलिटी नैतिकता को डेवलप करना यस क्यू यस क्यू मिस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक डेवलप करना जिन विद्यार्थियों को आई क्यू एमक्यू क्यू और यस क्यू इन चार डेवलप किया जाए वो चरित्रवान बालक बन सकता है वो समाज की परीक्षा में फेल नहीं हो सकता तो इसके बाद हम कई बातें सिखाते हैं आज मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार से क्योंकि मेरा जीवन एक स्ट्रगल से रहा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी पॉजिटिव तो बना सकारात्मक बना तो जीवन के अनुभव से आज के युवा पीढ़ी जो भटक रहे बिगड़ रहे उसका पहला कारण है गलत संगत जो शराब पीता है तो मोबाइल में कोई गलत चीजें लाकर दिखाता है कोई फैशन करता है उसकी संगत करेंगे वो भी बिगड़ जाएगा इसीलिए उन बच्चों को संगत से बचाने की जरूरत है दूसरा है सिनेमा टी मोबाइल फेसबुक व्हाट्सअप आज बच्चा जब रोता है मम्मी कहते बेटा ये मोबाइल ले लो इसे खेलो लेकिन मेरे से पल्ला छोड़ दो अगर उस बच्चे के हाथ में चाकू देंगे तो चाकू देंगे तो क्या करेंगे? वो में डालेगा हाथ काटेगा मुंह इसी तरह मोबाइल एक चाकू है आज के ज़माने का इसीलिए भले उसको दो लेकिन उसके पॉजिटिव बातें सिखाना क्योंकि आज के बच्चों के अंदर जो फैशन करने के जो भी क्राइम करने के जो बातें आ रही है कहाँ से आ रहे हैं ये मोबाइल फेसबुक व्हाट्सअप से इसीलिए उन बच्चों को इन चीज़ों से बचाने भले देखो लेकिन उसके अंदर की पॉजिटिव चीजें देखना मैं वैसे तो पाँच बाल सुधार ग्रहों में गया हूँ छोटे बच्चों के जेलों में तो छोटे बच्चे के बच्चे आज क्राइम करना कहाँ से सीख रहे जैसे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था वो शिवाजी पैदा क्यों हो गया था क्योंकि शिवाजी की आत्मा जब गर्भ में थी तो उसकी माँ जीजा माता दंड दांड पटा चलाती थी तलवार चलाती थी ग्रंथ पढ़ती थी अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ती थी इसीलिए वो संस्कार बन गए लेकिन आजकल की माँ जब बच्चा गर्भ में टीवी देखेगी व्हाट्सएप चलाएगी फेसबुक <laughs> चलाएगी और वही संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े बच्चों को जब जन्म लेने के बाद बड़ा होने के बाद मार्केट में लेके जाते हैं क्या मांगता है मम्मी मुझे डिशिंग डिशिंग चाहिए बंदूक क्योंकि बंदूक की फिल्म देखिए अगर अभी बंदूक मांगेगा तो बंदूक से मर्डर भी करेगा इसीलिए आज माँ बाप का भी कई बार मैं मम्मी पापा को कहता हूँ बच्चों को थोड़ा संस्कार दे दो ना कहते नहीं हमने बहुत बड़े स्कूल में डाला है बहुत फी है वो संस्कार सिखाने का काम है टीचरों का टीचर कई बार मैं टीचर को जाकर पूछता हूँ आप थोड़ा बच्चों को संस्कार दे दो ना हमारा बहुत सिलेबस पढ़ाना होता है हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का वो काम है मम्मी पापा का मम्मी पापा उधर उंगली करें और टीचर उसके तरफ करें बच्चे भी करते जा रहे हैं इसीलिए मैं ही तो सोचता हूँ आज संस्कारित बनाने का काम आए माँ बाप का भी है अगर माँ फैशन करेगी बच्ची भी वही सीखेगी अगर बाप शराब पीनेगा तो बच्चा भी वही सीखेगा इसीलिए माँ बाप को भी संस्कारित और टीचरों को भी संस्कारित बनने की जरूरत है <coughs> कई टी मैं स्कूलों में जाता हूं आज कई टीचर ऐसे है, आते हैं जैसे कोई फैशन शो में जा रहे हैं लाली पाउडर लगा करके फर्स्ट क्लास टिप टैप होकर के अब उसे क्या सीखेंगे मैं तो रियली बताता हूँ आज कई सोचते हैं चलो थोड़ा खर्चा पानी तो निकलेगा पिताजी तो नौकरी कर रहे तो मां बैठे बैठे क्या करेंगे जाकर के और आजकल पर्सनालिटी आउटर पर्सनालिटी को देख करके आज क्या करते हैं तो इसीलिए टीचर मतलब योग्य टीचर टीचर को इंग्लिश में कहते हैं टीचर में टीचर को पहला शब्द आता है टी टी फॉर टॉलरेंस जिसमें सहन शक्ति हो टीचर को आचार्य कहते हैं आचार्य आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला जिसके जीवन में वो बातें नहीं वो सुना करके उसको असर नहीं पड़ेगा तो इसीलिए टीचरों को योग्य बनने की जरूरत है अगर मैं सिगरेट पीता हूं मैं शराब पीता हूं मैं बुरा हूं तो बच्चों को उसका असर नहीं पड़ेगा इसीलिए योग्य टीचर बनेंगे। टी फॉर टॉलरेंस ई फॉर एनर्जेटिक टीचर एक इंजन है बच्चे डब्बे अब इंजन ही ढीला ढाला चलेगा तो डब्बे भी ढीले चलेंगे <laughs> इसीलिए इनर्जेटिक बनने की जरूरत है ऊर्जावान बनने की जरूरत है आगे का शब्द ये ये फॉर एटीट्यूड जिसका व्यक्तित्व तो ऊंचा हो आगे का शब्द आता है सी सी फॉर जिसका कैरेक्टर ऊंचा हो ये अच्छे एज फॉर ऑनेस्टी हो बच्चों को कहेंगे बेटा मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ तो मेरे ट्यूशन में आ जाना अब स्कूल का भी पैसा मिल रहा है ट्यूशन का भी मिल रहा है ईमानदारी से घड़ी देख करके नहीं लेकिन डेडिकेशन होकर के पढ़ाने वाला टीचर चाहिए और आर आर फॉर राइटियस जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला टीचर चाहिए तो टीचर मतलब अंधकार मिटाने वाला चाहिए और तब जाकर के इन बच्चों के अंदर सुधार आ सकता है इसीलिए टीचरों को योग्य बनने की जरूरत है इसीलिए आज के बच्चों को कुसंग सिनेमा हम भी फिल्में देखते थे मैं लेकिन रामायण महाभारत ऐसी फिल्में देखता था बचपन में मैं जब हनुमान की फिल्म देखता था हनुमान कैसा लंका में जाता है सीता सीतामा को संदेश सुनाता है तो मैं सोचता था मैं भी कोई ऐसा काम करूंगा जो हनुमान ने किया और उसकी प्रेरणा लेकर के भारत के आठ जेल में जा कर के कैदियों को सुधारने का काम किया अच्छी फिल्म महात्मा गांधी ने भी महात्मा गांधी कैसे बने थे उन्होंने एक फिल्म देखी थी राजा हरिचंद्र इसीलिए उन बच्चों के अंदर अच्छी फिल्म की तरफ नहीं तो आज कई कई बच्चे कहते हैं सर हम और कुछ नहीं देखते कार्टून देखते अगर कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बनेंगे तो बच्चे जो देखते हैं उसका उसके व्यवहार में आता है जो व्यक्ति देखता है सुनता है सोचता है उसका प्रभाव व्यवहार में होता है इसीलिए जैसे मैं वो बाल सुधार गृह की बात बता रहा था एक बाल सुधार गृह में गया था अभी आंध्र प्रदेश में 500 बच्चे थे उसके अंदर तो एक बच्चे को मैंने पूछा बेटा तुमने क्राइम एक गलत काम कहाँ से सीखा कहते सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में भी एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर निरमा पाउडर डालने से कपड़े साफ होते कहते मेरे एक बहन थी वो बहुत काली सी थी तो मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे, थे तो एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी तो उस बहन को उठा करके उसने वॉशिंग मशीन में डाल दिया निरमा पाउडर डाल दिया मशीन चालू कर दी ये होशियारी कहां से सीखी तो आज बच्चे जो क्राइम करना सीख रहे हैं कहां से सीख रहे हैं ये टीवी से इसलिए मा। मतलब पाप माँ मतलब मदर पाप की मा है सिनेमा फैशन करना है तीसरी बात आई नशा व्यसन से बचाना आज कई बच्चे छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं नशा करते हैं क्योंकि उनको तनाव होता है एक तो माँ बाप प्रेशर देते हैं तुमको इतना मार्क लेना है एक तो टीचर भी प्रेशर देते हैं इसीलिए उनको टेंशन है और फिर दोस्तों के साथ खेलना घूमना फिर जैसी परीक्षा आते टेंशन में आ जाते हैं फिर टेंशन से नशा करते हैं कहीं तो सुसाइड भी करते हैं तो कई ऐसी घटनाएं हो रही है इसीलिए उन बच्चों को नशा से मुक्त बनाना सिखाना फैशन से मुक्त बनाना आज पर्सनालिटी दो प्रकार के एक इनर दूसरे आउटर इसीलिए आउटर पर्सनालिटी से बचाना इस तरह से काफ़ी सारे मेरे पास लगभग आठ नौ सौ स्टोरीज है छोटी छोटी स्टोरीज़ उस स्टोरीज़ के आधार से मेरे अपने जीवन के वैल्यूज़ के आधार से उन बच्चों को मैं नैतिक शिक्षा सिखाने का कार्य कर रहा हूँ और पूरा भारत में काफ़ी से जगह पर जाकर के इस तरह से ये कार्यक्रम करता रहता अभी भी मैं आया था या नॉर्थ नॉर्थ बंगाल की तरफ तो लगभग एक डेढ़ महीना हुआ मैं काफ़ी सारे चक्कर लगाया सबसे पहले आया सिलीगुड़ी में सिलीगुड़ी से वहाँ से मैं गया इस्लामपुर वहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में किया इस्लामपुर से गया रायगंज वहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में जेल में भी कार्यक्रम किया वहाँ से बालुर घाट में गया वहाँ भी स्कूलों में वगैरह किया वहाँ से फिर मैं वापस बागडोगरा आया वहाँ से फिर कुछ बिहार में भी जाकर के काफ़ी सारे कार्यक्रम कार्यक्रम किया उसके बाद वहाँ से फिर सिक्किम गया सिक्किम में भी रिनॉक रिनॉक में भी गया फिर मंगन में भी गया गंगटोक में भी किया उसके बाद फिर यहाँ आया हूँ यहाँ भी कल मैं नर्सिंग का कार्यक्रम किया अभी भी मुझे इस कार्यक्रम के बाद फिर जाना है इस तरह से काफ़ी सारे स्कूल में वगैरह कार्यक्रम दे रहे और मेरा लक्ष्य केवल ये नहीं कि रिकॉर्ड बनाना या या तो हम सोचते समाज के अंदर परिवर्तन आ जाए इसीलिए स्कूलों में कार्यक्रम दे रहे हैं तो यहाँ सभी को यही संदेश दे रहा हूँ वर्तमान समय ये संसार परिवर्तन का समय चल रहा है क्योंकि वर्तमान समय हर व्यक्ति के अंदर तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे है। रहा है क्योंकि जैसे कोरोना हो गया कोरोना के बाद बहुत सारा तनाव किसी का दुकान ठप होता जा रहा है बिजनेस ठप होता जा रहा है तनाव टेंशन और जिसको तनाव टेंशन आता है उस व्यक्ति का दिमाग गर्म रहता है और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं उसे बीमारी होगी आगे चल कर के डिप्रेशन के बढ़ता जाएगा तनाव टेंशन बढ़ता जाएगा इसीलिए तनाव से बचने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेने की बड़ी आवश्यकता है इसीलिए आज सत्तर परसेंट लोगों को जो बीमारी हो रही है आज किसी को पेट की बीमारी होती है ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है इसीलिए कहते हैं ना तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या आज किसी को दूर का कम दिखता है दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं जो आंखें फाड़ता है बड़ी बड़ी करता आंखों की पुतली फैल जाती है फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कह कह डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है कहीं कह चश्मा लगाना पड़ेगा चश्मा तो लगाया फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे नंबर बढ़ता ही जाएगा किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया जो बीती हुई घटना को याद करता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है आज किसी को शुगर होते हैं शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे मैं इसकी सास हूँ मैं इसका पति हूँ मैं इसकी माँ हूँ लेकिन आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता फिर कहे मेरा कोई नहीं मानता इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा क्या जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है आज निगेटिव से शुगर होते हैं निगेटिव से बीमारी होती है आज किसी को स्पॉन्डालाइट होता है सर्वाइ रास्ते में जा रहे जा रहे ऑफिस में जा रहे मार्केट में वो क्या करता है वो क्या करता है इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डालाइट फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है पट्टा लगाने में छः महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा आज किसी को ब्रेन ट्यूमर टेंशन से ब्रेन ट्यूमर हमारे ब्रेन में बालों से भी मही नशे होते हैं और नशे अगर फट जाते हैं उसका कोई इलाज नहीं इसीलिए ये सारा क्यों हो रहा है मानसिक तनाव के कारण इसीलिए तनाव से बचने के लिए आज आपके यहाँ दार्जिलिंग में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है इसीलिए भोलेनाथ परमात्मा वैद्यनाथ ने ये ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र खोला हुआ है ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मन को ठीक करने वाला मन को शांति कहीं और से नहीं मिलेगी मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता चाहिए तो मैं दार्जिलिंग निवासी वालों को यही संदेश दे रहा हूँ वर्तमान समय को पहचानो इस संसार में टोटल चार युग होते हैं जो गांव जो बनाया जाता है सोस्तीगा में चार भाग है एक सत्यु का भाग दूसरा त्रेता का तीसरा द्वापर का चौथा कलयुग का और चारों युगों की आ, समय समान है चार भाग समान है ये सत्युग की साढ़े बारह त्रेता साढ़े बारह द्वापर साढ़े बारह कलयुग साढ़े बारह और चार युग पांच हजार साल के हैं तो इस संसार में टोटल तीन लोग हैं साकार दुनिया आकारित दुनिया निराकारित दुनिया और इस संसार में टोटल साढ़े आठ सौ नौ सौ करोड़ आत्माएं इस संसार में उसमें से नौ आत्माओं का रहने का स्थान चांद सूरज तारंगन के पास परम धाम धाम जब सत्यु की शुरुआत होते हैं नौ लाख आत्मा उस परम धाम से नीचे धरती पर आते हैं और उस समय नौ लाख आत्मा आते हैं और उस समय स किसी के अंदर भी कोई निगेटिविटी नहीं विकार नहीं आत्मा स्वत प्रधान इसीलिए दुनिया भी स्वतो प्रधान थी एक गोल्डन एज थी सभी के सिर पर सोने का मुकुट था बहुत अच्छा दैवी दुनिया थी जिसको हम सोरत के नाम से भी पहचानते हैं क्योंकि मानव अच्छे थे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया उसके वहां आठ जन्म सबके होते हैं उसके बाद त्रेता है। एक बार आत्माएं परम धाम से आई पूरा युग चक्र पूरा होने के बाद वापिस जाते हैं फिर त्रेता युग जब शुरू हो जाता है और आत्माएपर से आते हैं करोड़ हो जाते हैं इसीलिए तैतीस करोड़ देवी देवता का गायन भी है दोनों युगों को कहते हैं स्वरग वहां कोई दुख नहीं अशांति नहीं धीरे धीरे समय बढ़ता है द्वापर युग शुरू हो गया जैसे द्वापर युग शुरू हो गया आई भी आत्मा तैतीस करोड़ आत्मा उनके वश हो जाते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुख शुरू हो जाता है फिर परमात्मा सर्व सबका पिता वो परमात्मा क्या करता है धर्मात्मा को भेजता है धर्मात्मा ने आकर के भी अच्छा ज्ञान सुनाया गॉड इज लाइट लेकिन जिन्होंने वो ज्ञान सुनाया उनको ही लोगों ने भगवान मान लिया असली भगवान तो बाजी में रह गया आखिर भक्ति सुर हो जाते हैं भक्ति सुर हो जाते हैं शास्त्र बनाना ग्रंथ बनना पूजा करना आखिर अंधकार बढ़ता जाता है आखिर आता है कलयुग दोपहर के बाद कलयुग आता है जब कलयुग आता है हम अपने आप को भूल गए परमात्मा को भूल गए ये विकारों की इतनी अंधकार बढ़ता गया इतना अंधकार बढ़ता गया आज देख रहे हैं तीन तीन चार चार साल वाली बच्ची के प्रेप कैसा होता जा रहा है जो काम राक्षसों ने नहीं किया आज का मानव कर रहे हैं आखिर परमात्मा को हम पुकारते भक्ति के माध्यम से पूजा के माध्यम से आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था यदा यदाई यदा धर्म से रिभौती भारत भारत तो क्या संसार संसार में जब धर्मग्लानी होगी तब मैं आऊंगा धर्मगलानी के लक्षण भी बताएं जब अनाज पूरी में बेचा जाएगा गाय विष्टा खाएगी बच्चे अपने मुख से वर मांगेगी बालों का श्रृंगार होगा ऐसे समय पर मैं आऊँगा लेकिन यह भी कहा जब मैं आऊँगा मुझे पहचाने वाले कोटों में कोई में कोई होगी तो परमात्मा उन्नीस में एक साधारण तन में जो सत्युग में कृष्ण की आत्माई थी जन्म लेते लेते ले, ले, लास्ट में उसके शरीर जब साधारण तन में परमात्मा प्रवेश करता है जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया और उसी ब्रह्मा के द्वारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का एक छोटा सा रूप ये लगाया था 1937 में आज ये बढ़ता बढ़ता 140 देशों में आज ये संस्था कार्य कर रहे ये संस्था कोई व्यक्ति के नहीं स्वयं परमात्मा कालो का काल महाकाल ये सौ साल तक काम चलता है 1937 से 2037 तक और परमात्मा ने स्थापना का कार्य कर चुका इसीलिए यहां की जनता को हम यही कह रहे हैं जागो ये संसार बदल रहा है सती की दुनिया आने वाले सारी मानव आत्माओं को वापस अपने धाम में जाना है इसीलिए ज्ञान योग करके इस दुकान के साथ साथ ये अपने दो कान भी खोलो वैसे तो नेपाल में दुकान को दो कान बोलते हैं कई बार हम आश्रम में बुलाते कहते हमको दुकान खोलना पड़ता है इस दुकान में कम कमाई करेंगे साथ में नहीं जाएंगे लेकिन ये दो कान भी खोलना है और दो कान खोल करके सत्संग की बातें सुने आध्यात्मिक बातें सुने ताकि हमारा सारा दिन का कारोबार अच्छा चलेगा हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे मन में शांति आएगी और यही संस्कार हमारे साथ में जाएंगे और जो आत्माए इस वर्तमान समय परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से जो ज्ञान योग मेडिटेशन सिखा रहे हैं जो संस्कार बनाते हैं महाविनाश के बाद वही आत्माएं सत्युग् में देवता के रूप में आते हैं ये चक्र पाँच हज़ार साल के बाद रिपीट होता है इसीलिए यही संदेश दे रहा हो आप सभी जरूर इस आध्यात्मिकता के शरण में आएंगे परमात्मा के शरण में आएंगे वही हमारा रक्षक है उसी से वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा यही संदेश लेकर के मैं आया था और ख़ास तो आज हमारा ये वर्ष में दया और कोरोना के एक टॉपिक भी था उसका भी हमने एक जी हॉल में भी कार्यक्रम उसी दिन दिया था काफ़ी सारे भाई बहनों ने उसका लाभ भी लिया तो ऐसे यहाँ रोज़ सवेरे एक घंटा या दार्जिलिंग में या केंद्र है यहाँ जरूर एक सात दिन का कोर्स और रहता है ये कोर्स करेंगे और साथ में बीच बीच में आते रहेंगे तो अपना जीवन अच्छा बनेगा यही मैं संदेश दे रहा हूँ इसी के साथ धन्यवाद ओम शान्ति भगवान भाइजीले धेरै मिठो मिठो कुराहरू हामीलाई जनाउनु भयो विशेष गरी तपाईँ अभिभावकहरूलाई उहाँले एकदमै राम्रो राम्रो राम रा सन्देशहरू दिनुभएको छ आजको युगमा हाम्रो नानीहरू मोबाइलतिर लतपत्ती रहेका छन् त खै नानीहरू ड्रग्स जस्तो नसालो पदार्थतिर लागेर यसरी जीवन आफ्नो जीवनलाई अन्धकारमा उहाँले ढकेले भएको छ तर जीवनमा मनको शान्ति हुन अति नै जरुरी छ मनको शान्तिले मात्र सबै कुरो शान्ति हुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीलाई भाइजीले बताउनु भयो र हामी डिसेसन हिमाली च्यानलको तर्फबाट विशेष गरी हाम्रा यस संस्थानका सबै प्रतिनिधिहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा दार्जिलिङलाई स्वच्छ परिवेशमा ल्याउनको निमित्त प्रत्येक दिन यहाँहरूले योगको पनि आयोजना गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँहरू यस योगमा अंश ग्रहण गरेर तपाईँहरू पनि जीवनमा एउटा राम्रो कुरा गर्न चाहन चाहन चाहनुहुन्छ अनि मनलाई शान्त बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि यस संस्थामा जोडिन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि हामीले पायौँ र आज हामी यहाँ आयौँ अनि हामीलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो विशेष गरी हाम्रा भाइजीले यति मिठो मिठो कुराहरू उहाँले हामीलाई बताउनु भयो त्यति मात्र नभएर उहाँले जेलमा गएर संशोधन गृहमा गएर त्यहाँका कैदीहरूलाई आउने जीवनको विषयमा पनि मिठो मिठो प्रवचनहरू दिइरहनु भएको छ जीवन, मिटो मिटो जीवन, की जीवन भरी का हु? के हो जीवन क्षणभरिको मात्र छ हामी जन्मिउन्यौँ मृत्युलाई अङ्गाल्नको निमित्त अनि बाँचुन्जेल राम्रो कर्म गरौँ ताकि त्यो कर्मको हिसाब पछि गएर हुनेछ भन्ने कुराहरूलाई पनि उहाँले राख्नुभयो अनि यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई यति राम्रोसँगले उहाँले मिठो मिठो कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो र हामी यहाँका संस्थाप्रति आभारी छौँ र यति भन्दै आजलाई यो कार्यक्रम सम्बन्धी म अन्य लगायत क्यामराम्यान राकेशलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार